हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो गाइस सुबह और फाइनली आज लास्ट पूजा है छठ का, हो चुका पूजा खत्म। हाँ, पूजा खत्म हो गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह हम लोग का व्लॉग शुरू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि तो गाइस इसका तबीयत खराब हो गया था और हम उठे थे लेकिन इसके लिए नहीं गए थे, क्योंकि अकेले जाके क्या करता। वही बात है, क्योंकि व्लॉग तो आईफोन से आता है, तो सैमसंग से आ सकता है, लेकिन फिर भी और मतलब हम वो रख दे दिए थे घर जाके किसी ने। तो अभी फिलहाल तो नीचे वो मेरी मम्मी सूप तैयार कर रही है। क्या तो बिहार में उसको सूप बोलते हैं, प्रसाद होता है ना वो छठ का, तो उसको वही तैयार हो रहा है नीचे, तो हम लोग हेल्प करेंगे सूप अरेंज करने में। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी हम लोग तो गाइस यहीं पे प्रसाद है, सूप है, मम्मी जी ने बनाया बहुत अच्छा सा, मयंक अभी वो सजा रहा है। सब मेरे दो भाई एक एक करके नारियल, ये टीवी में अलग ही चल रहा है। टीवी बंद कर दो भाई, इसमें टीवी बंद कर देते। अच्छा से रख दो भाई, उसमें भी मम्मी जी लाइट जला दीजिए, लाइट जला दीजिए मम्मी जी। आईफोन में आजकल ग्रेडियंस आने लगा है, जब से 13 आया है ना, लगता है आईफोन 13 लेना पड़ेगा भाई, खजाना भाई। अच्छे से रख दो सब में एक एक करके। छठ पूजा गाइस प्रसाद के बिना बहुत इनकम्प्लीट है, ये भी निकाल लो। अच्छे से रख दो भाई। ये किसका है मम्मी जी? हाथ में रखो, हाथ ही पे रखो। मैं ओ ये बोलेगा तुमको देख के, खड़े हो जाओ। क्या बोले मम्मी जी? आप ही बोल दीजिए। ये हमारी बेटी की है, अपने बड़े भाई के लिए, छोटे भाई के लिए, क्योंकि वो इससे फायदा क्या होता है मम्मी? इससे फायदा है कि जीवन में आदमी आगे बढ़ता है। ओ, तो गाइस आप लोग सोचोगे मम्मी जी बस बोल रही है, अभी वीडियो में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मम्मी तैयार नहीं है, मम्मी बहुत ही कॉन्शियस है इस सब को लेकर। अभी बिट्टू बेटा मेरा बंधन सीरियल में आ चुका है, बोल देना। 9 सूप हमारी आंटी जी की है, इसको कहाँ रखे? इसको यहाँ रखो ना, उसमें खा लिया, इसमें रख देते। इसमें टोटल 9 सूप है जो आंटी करके रखी है, और बस काफी मेहनत का काम है, इसीलिए मयंक को बुला लेता हूँ। मैं तबीयत भी खराब था तो मयंक आया तो तबीयत ठीक हो गया मेरा। वहाँ रख दो, आप ही रख दो। तो ऐसे वाला सूप जो है मेरी तैवान वाली मौसी के लिए चढ़ा है स्पेशली, और बाकी सारे मौसी मौसा भाई भाई बहन सब के लिए, मेरे लिए नहीं चढ़ाई मम्मी। पिछले नहीं, अगले साल। ठीक है, मेरी मम्मी सोई। सो गाइस अभी मयंक क्या देने जा रहे हैं, प्रसाद इसी का है, हम लोग दे रहे हैं इसको। तो इतना नारियल खा पाओगे रे? तुम्हारा है रे नारियल, अच्छा मेरा है। और तीर मेरा, मम्मी इसको टास्क दिया करने का। भाई देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, इधर इधर सन कितना अच्छा वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, पता नहीं क्या है। अरे नहीं भाई देखो ना वहाँ पर कुछ लगाया है सर, ऐसे कितना अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है सन, वो वहाँ पर कुछ बोर्ड बोर्ड लगा रहा है सर, पहले देखा था। सो गाइस अभी हम लोग लक्ष्य तक आए, फिलहाल तो काफ़ी अच्छा ही है, और हम लोग सोच रहे हैं फुटबॉल खेलने का। ये UFO रे कहो सेम है, सच में UFO लग रहा है। अरे तो दूसरा फुटबॉल आ रहा है, अरे मैं मजा आ रहा भाई जो मैं रोनाल्डो तेरा कह रहा। अच्छा रे कैसे था? सेरेमिक प्रूफ है, नहीं टूटेगा, लग जाएगा उड़ के खुद हाथ में आ जाएगा। कितना पास करो, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे यार खेलने आ रहा तुम्हें भाग, तुम नूब है, बहुत ज्यादा गाइस थक चुका है, इसको हाथ से फेंकेंगे, इसको हाथ से मारना है ना। गाली देते हो मयंक? क्या गाली गाली है? अरे बैक फ्लिप, खेला फुटबॉल बोला गाड़ी। oh,
गोल करके कुछ ज्यादा ही खुश होते हुए दोनों। हम लोग जीते हैं गाइस, दो जीत। सो गाइस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं फुटबॉल खेल के और अभी फ़िलहाल घर जा रहे हैं। और गाइस अभी भी देख सकते हैं दिवाली का वाइब्स गया ही नहीं है। सो गाइस मोहन तो पता थक के चूरी हो गया, उसको रोनाल्डो बोलने से फुर्सत ही नहीं मिलता है। तो गाइस यहाँ तक व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो। तो ऐसे ही अच्छे व्लॉग के लिए बेल आइकन दबा लीजिए गाइस, बेल आइकन दबाइएगा आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ तक व्लॉग अच्छा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं ब्लॉग में।